सब लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों AICTE ने एक RGP यूनिवर्सिटी को इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। AICTE सभी हिंदुस्तान की जितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जैसे RGP भी हमारे मध्य प्रदेश की है तो उनको समय समय पर दिशा निर्देश देती है। तो दोस्तों अभी हाल के दिनों में AICTE ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम से निश्चित ही RGP के जो छात्र हैं वो लाभान्वित होंगे क्योंकि रूरल एरिया से आने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं। जी न्यूज़ के माध्यम से ये खबर आ रही है और साथ ही आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा लेटेस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज की जो वेबसाइट पर है उस पर अपडेट किया था। हालांकि वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया था लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखें ये जो खबर है ये जी न्यूज़ के माध्यम से आ रही है। नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने की तैयारियां शुरू कर रहा है। इसके लिए इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच में एक सर्वे भी कर लिया गया है और इस सर्वे से बात सामने आई है 44% अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। यही कारण है इसके क्रियान्वयन करने के लिए AICTE ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मदद मांगी है और दोस्तों इस विषय पे काम भी शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखें ये न्यूज़ जी न्यूज़ के माध्यम से आ रही है कि अब हिंदी पढ़ लिख कर भी बन जाएंगे इंजीनियर। दोस्तों 19 अप्रैल 2021 की ये खबर है और यहाँ नीचे देखें दोस्तों ये आपने RGP की एक वेबसाइट पर जो देखा है कि वो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए इनविटेशन भी दिया है जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 11 विषयों के प्रश्न पत्र दोनों राज्यों के यानी कि दोस्तों ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी दी है। दोनों राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय तैयार करेंगे जिसमें भौतिकी गणित मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड फिजिकल एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड सहित कई विषय शामिल हैं। तो दोस्तों ये जो है अब हो सकता है आने वाले समय में आपको हिंदी में भी हिंदी भाषा से भी आप पढ़ सकेंगे। हिंदी भाषा के छात्रों के लिए टेक्निकल विषय की किताबें प्रश्न बैंक उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए AICTE ने स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट प्रोजेक्ट के तहत RGPB और छत्तीसगढ़ के तकनीकी विश्वविद्यालय को प्रश्न बैंक हिंदी में तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसमें नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है इस प्रोजेक्ट के तहत 11 विषयों के प्रश्न पत्र दोनों राज्यों की तकनीकी विश्वविद्यालय तैयार करेंगे और इसका मानदेय भी जो 10 प्रश्न है उसके संबंधित विशेषज्ञ को ₹400 के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस संबंध में जानकारी AICTE के अधिकारी ने बताया कि देश भर में तकनीकी विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय भाषा में किताब और प्रश्न बैंक तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत विभिन्न राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न बैंक तैयार करेंगे और प्रश्न बैंक का अनुवाद कर विशेषज्ञ 25 अप्रैल तक सबमिट करना होगा। इसमें लाखों छात्रों का फायदा होगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग करना अच्छी बात है कि इंग्लिश से करना है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये न्यूज़ कैसी लगी और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।